डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड कॉफिशंट ऑफ एसोसिएशन विच वी कंप्यूट आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ काइस्र इसको हम कंटीजेंसी को रिलेशन कॉफिशेंट कहते हैं uh, ये जो कंटीजेंसी कोरिलेशन कॉफिशेंट है ये भी इफेक्टाइज ही मैर करता है ऑफ दायस्कयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और ये भी हमें यही बताता है कि डेटा कितना दोनों वेरिएबल्स हैं वो असोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ के नहीं और इसका फॉर्मूला जो है वो जो है एक्स केयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स केयर ओवर एक प्लस एन जो है और ये हम कंप्यूट करते हैं फॉर द कंटीजेंसी टेबल जो थ्री बाय थ्री हों फोर बाई फोर हों या फाइफ बाई फाइफ हों और इसका प्रोसीजर भी वही है एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब और फिर एज और यहाँ पर हम एज और एम एफ आई मंथली फैमिली इनकम का देख रहे हैं स्टेटस्टिक्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कायस्केर और कंटीजेंसी कॉफिशेंट और ये हमें ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट जीरो फाइव से कम ही है कायर की वैल्यू नाइनटीन और कंटीजेंसी कोफिशेंट की वैल्यू भी पॉइंट ज़ीरो फाइव से कम है इसकी सिग वैल्यू तो दोनों हाँ एक्सेप्ट होते हैं और इसकी आ, सी की वैल्यू पॉइंट टू जीरो ज़ीरो है जो कि एक वीक रिलेशनशिप है मगर एज और मंथली फैमिली इनकम का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो ये जो है लास्ट रिलेशन कॉफिशेंट है जो हम काए स्केयर टेस्ट में कंप्यूट करते हैं जब भी हम का स्केयर टेस्ट लगाएं तो हमें ये आ, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें कि हमारे कंटीजेंसी कोफिशेंट हम कंटीजेंसी जो टेबल है उसकी नेचर क्या है टू बाई टू होगा तो फाइव लगेगा टू बाई थ्री या टू बाई फोर होगा तो क्रैमर वी लगेगा और अगर थ्री बाई थ्री या फोर बाय फोर या फाइव बाय फाइव फाइव है तो फिर कंटीजेंसी कोफिशंट कम्प्यूट होगा